नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर मैं जो करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हों। सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। लगभग 45 से 50 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत कम समय बचा है। आप लोग रैपिड रिवीजन शुरू कर दीजिए। जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, हर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, 53 क्वेश्चन तक मैं करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 मैं सीरियल वाइज दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। अब यह समय आपके पास जो बचा है मॉडल पेपर कराने का ही है, तो मॉडल पेपर आप लोग करिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, पैरासीटामॉल औषधि है। तो पैरासीटामॉल जो औषधि होती है वह क्या होती है? एक ज्वर नाशक होती है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, आपूतिता का अर्थ होता है। आपूतिता का अर्थ जो होता है यह संक्रमण से मुक्ति के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, नीलिमा किस परिस्थिति में होता है? तो नीलिमा किस परिस्थिति में होता है दोस्तों? यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, सामान्य श्वसन पैटर्न को कायम रखने के लिए कौन सी अवस्था फायदेमंद होती है? तो वह होती है फाउलर अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, अंतरास्थि इंजेक्शन दिया जाता है। तो अंतरास्थि इंजेक्शन जो दिया जाता है वह दोस्तों अस्थि मज्जा में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो कार्टिकोस्टेरॉइड की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह सभी को पता होगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है दोस्तों किससे होता है? विटामिन डी से, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीआर का पूर्ण रूप जो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, टेरन नहीं टेशन होता है दोस्तों। यहाँ पे ये सा है, ये रिससिटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 62 पर आते हैं, हेपेटाइटिस ए होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है दूषित जल के प्रयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, और हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? लीवर को करता है। IUD लगवाने का सबसे उपयुक्त समय है, IUD जो होता है सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो मासिक धर्म की शुरुआत से 10 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी को पता हो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो यह क्या होता है? विटामिन होता है, विटामिन सी जो होती है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितनी एनम बहनें हैं बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जो नहीं समझ में आता वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। मैं फ्री में सभी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, कोई आपसे एक भी चार्जेबल कोई क्लास नहीं है आपकी, और ना ही मैं आप लोग से कोई एडवांस में ये कर रहा हूँ कि ये फ़ीस जमा करें। मैं आप लोग की मदद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन हो। पेट की परीक्षा में दोस्तों मैं बहुत से क्लास लिया था, जितने अभ्यर्थियों ने क्लास लिया है किसी का परसेंटाइल जो है 60 से नहीं कम नहीं आया है। बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया, सर मेरा पेट में परसेंटाइल 60% आया है, 65% आया है। तो दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं 60% से ऊपर ही हैं। बहुत से अभ्यर्थी लेखपाल में भी हैं, बहुत से अभ्यर्थी, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी तो एनम में हैं। एनम में मैं बता रहा हूँ कि बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया, सर मेरा 55-60 ऐसे ही परसेंटाइल आया है। तो दोस्तों आप लोग जो है, मैं आप लोग से यही कहूँगा कि कोई चार्जेबल क्लास नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं द्वितीयक रोकथाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? मृत्यु पंजीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब एनम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने दिन के अंदर? तो 7 दिनों के अंदर जो होता है मृत्यु पंजीकरण, क्वेश्चन नंबर 66 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग कहते हैं 21 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि 7 दिनों के अंदर कराया जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 21 दिन है, 21 दिन नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा तथा प्रोटीन उपलब्ध होती है? तो कितने होती है दोस्तों? 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होती है। BCG का टीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है सब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, 68 पूछ रहा है कि BCG का टीका क्या है? तो लाइव एंटीड्यूटेड वैक्सीन होता है, ये जीवित वैक्सीन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना कमेटी के चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 69, तो कौन है दोस्तों इस समय? AL मुल्दियार जी जो हैं, AL मुल्दियार जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं दोस्तों। गंभीर पेशी हास विकास रुग्णता तथा उपचर्म वसा का अपक्षय किस रोग से होता है। देखिए दोस्तों, अब यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो हिंदी का टर्म बहुत ही उल्टा पलटा करके दिया है, अगर इंग्लिश टर्म देखते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। तो इसका क्या होता है दोस्तों, मैरास्मस एक रोग होता है, उसी का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पाते हैं, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक जो है होती है, तो मतलब 500 मिली से अधिक हो तो वह प्रसवोत्तर जो होता है वो रक्तस्राव कहते हैं दोस्तों उसको। इसी समय क्या होता है, पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज PPH जिसको बोलते हैं, अगर 500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड गिर जाए तो PPH उसको बोला जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पाते हैं, पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था दोस्तों, दिसंबर 1995 में। क्वेश्चन नंबर 73 पाते हैं, एक कंप्यूटर वर्कर की सबसे सामान्य व्यावसायिक जोखिम क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, कार्पल टनल दोष जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पाते हैं, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण चिन्ह अपगार स्कोर में शामिल नहीं है, इसमें पूछ रहा नहीं है, तो कौन सा दोस्तों, तापमान जो होता है यह अपगार स्कोर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 75 पर आते हैं, नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है, तो दोस्तों कब होता है, यह जन्म के दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 76, अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो पीलिया हो ही जाता है, तो उनको जार में रखा जाता है दोस्तों, या सुबह की जो लाल धूप होती है वो भी, अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर पीलिया हो जाता है तो नेचुरल हम क्या करते हैं, नेचुरली जो है वो सुबह की लाल धूप जो होती है और शाम की लाल धूप वही दिखाई जाती है। WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं, तो कौन से होते हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर सभी होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट ORS में नहीं होता है। ORS इलेक्ट्रॉल इन सब इनर्जाल इन सब का दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग पैकेट में देख लीजिए क्या क्या रहता है, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो फिर आप लोग जो है फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पत्र हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है, तो किस में दोस्तों मिल सकती है, पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में वृद्धि होगी, ये तो सही है, मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, ये भी सही है, अगर कोई रणनीति तैयार होती है स्वास्थ्य मिशन के प्रति, उपकेंद्र सशक्त होगा, ये भी, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो दोस्तों उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं, तो किसके संदर्भ में करते हैं दोस्तों, प्रति 1000 व्यक्ति जीवित शिशुओं पर होने वाली मृत्यु दर जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 पाते हैं, इनमें से कौन सबसे सामान्य एवं आदर्श श्रेणी है, तो कौन सा होता है दोस्तों, गायनेकॉइड जो होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किसे एक को छोड़कर शेष सभी शामिल है, मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर पूछ रहा है दोस्तों, शेष सभी शामिल हैं, तो कौन सा दोस्तों, तप्त अवस्था को छोड़कर, कोल्ड अवस्था, ज्वर अवस्था, स्वेदावस्था, ये तीनों जो होते हैं मलेरिया में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पर, किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस, एड्स दिवस, पर्यावरण दिवस, ये सब भी आप लोग रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं, एनीमिया से बचाने हेतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने IFA टैबलेट रोग निरोधक उपाय के तहत दिए जाते हैं, तो कितने को देते हैं, 1 दिन में 3 बार 100 दिन तक जो है दिया जाता है जो टैबलेट आता है आयरन का। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, इनमें से कौन स्वयं लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है दोस्तों, स्व पहचान जो होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, आत्ममूल का भावनात्मक मूल्यांकन है, तो कौन सा है दोस्तों, आत्मसम्मान, आत्म परिकल्पना के घटकों के इनमें से एक को छोड़कर सभी शामिल हैं, वह कौन सा है, तो दोस्तों वह कौन सा होता है, आत्मसम्मान, इसको एक को छोड़कर। 86 है, 86 में पूछ रहा है, वह परिवार जिसमें एकल परिवार के साथ साथ रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं, तो कौन सा है दोस्तों, विस्तृत परिवार। क्वेश्चन नंबर 87, परिवार क्रियान्वयन का अर्थ है, तो क्या है दोस्तों, परिवार द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, पारिवारिक बनावट होती है, तो पारिवारिक बनावट दोस्तों क्या होती है, परिवार की अनवरत बढ़ती सदस्यता तथा संबंधों का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो व्यक्ति
तो के विकास के लिए सबसे आवश्यक है 89। तो दोस्तों कौन सा होगा, दोस्तों माता पिता और शिशु, यही जो होता है महत्वपूर्ण संबंध है जो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य कौन सा होता है, तो कौन सा दोस्तों उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नत की अवस्था है, तो क्या है दोस्तों जननांगी अवस्था। दोस्तों मैं लेखपाल का भी प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल पेपर हल करवाने जा रहा हूँ, कुछ मॉडल पेपर हो चुके हैं, आप लोग जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी करें, क्योंकि लेखपाल में जो है 3-4 दिन के अंदर वो आप लोग का कट ऑफ आ जाएगा, हो सकता है 60% तक का कट ऑफ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वासक कौन होता है, तो कौन होता है दोस्तों रोगी होता है। लेखपाल के भी अभ्यर्थी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पाते हैं, जब कोई रोगी अपनी याददाश्ता को रिक्त स्थानों को भरने हेतु कहानियाँ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काल्पनिक घटनाएं कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं, नर्स यह समझती है कि तनावग्रस्त रोगी के लिए सबसे मुश्किल कार्य है, तो सबसे मुश्किल कार्य क्या है, पश्चाताप तथा अपराधी। क्वेश्चन नंबर 95 पर, बुलिमा नर्सोवा से पीड़ित रोगी के लिए चिकित्सा पर्यावरण इनमें किसका पर्याय है, तो क्या है दोस्तों सहानुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, एक व्यक्ति जो जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाता है उसे इनमें से किस मनोरोग का शिकार माना जाता है, ऑप्शन डी होगा, रूपांतरण रक्षा शैली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं, समाजरोधी व्यक्तित्व वाले रोगी होते हैं तो कौन से होते हैं दोस्तों, वे सामान्यतया संतुष्टि को टालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं, बचपन में होने वाले भावनात्मक अनुभव अत्यधिक आघातपूर्ण एवं तकलीफ देह बन जाते हैं जब अभिभावक उनके प्रति कठोर तथा प्रतिबंधक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पाते हैं, मादक औषधि बारबिट्यूरेट का सेवन अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है, तो किसका खतरा रहता है दोस्तों अगर बारबिट्यूरेट बंद करते हैं, दौरा आने का, जिसको कहते हैं दौरा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो सुनने वाला कोई ना हो। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी मौका है आप लोग को, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।